लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स. वी हैव फोर बर्थ कंट्रोल मेथड्स इन अवर सिलेबस. सो फर्स्ट इज बैरियर मेथड. बैरियर मेथड है सबसे पहला मेथड. बैरियर मेथड में हम क्या यूज करते हैं? इस मेथड में हम डायाफ्राम का यूज करते हैं ऑन पेनिस. डायाफ्राम जो है वो एक कवरिंग है पेनिस के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स क्या नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते किसके अंदर, वेजाइना के अंदर. तो वेजाइना में एंट्री को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा. तो स्पर्म्स की एंट्री कहां नहीं होगी, वेजाइना में, जिसकी वजह से क्या नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है कि इससे क्या नहीं होगा, बेबी का बर्थ भी नहीं होगा. तो इससे क्या कर सकते हैं, हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज किया क्यों गया, तो इसके कई सारे रीजन हैं. इसमें सबसे पहला रीजन है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. दूसरा इसका रीजन है टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी. एसटीडी मीन्स क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एसटीडी से प्रिवेंट करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और तीसरा गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन के बीच में गैप रखना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज करते हैं. जिसमें पहला मेथड मैंने आपको कौन सा करवा दिया, बैरियर मेथड. बैरियर मेथड के दो फायदे हैं, एक तो बर्थ कंट्रोल तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. क्योंकि जो डिजीज किसी पर्सन को है, मान लो मेल को जो डिजीज है वो फीमेल की बॉडी में ना जाए, उसके लिए क्या है, पेनिस पे पहले से क्या कर रखी है हमने, डायाफ्राम की कवरिंग कर रखी है. और डायाफ्राम की कवरिंग की वजह से क्या होगा, वो जो फ्लूड है यानी कि सीमन जो है वो मेल के थ्रू फीमेल में नहीं जाएगा. और जब फीमेल में नहीं जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि ना तो बेबी का बर्थ होगा और ना ही उसको कोई एसटीडी, यानी कि कोई भी मेल की बीमारी, अगर फीमेल की बीमारी कोई भी किसी को भी हो तो एक दूसरे को वो इंटरचेंज नहीं होगी. तो ये तो मेथड था हमारा, पहला मेथड कौन सा, दिस इज बैरियर मेथड. सेकेंड मेथड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल मेथड. सेकेंड मेथड इज द केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसमें पिल्स का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, पिल्स का. पिल्स क्या होती है, टेबलेट्स होती है. फर्स्ट वन इज द ऑरल पिल्स, सेकेंड वन इज द वेजाइनल पिल्स. ऑरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स. ऑरल पिल्स किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, और वेजाइनल पिल्स किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट की जाती है. माउथ के थ्रू पिल्स जो है वो बॉडी में जाती है, वेजाइनल पिल्स जो है वो वेजाइना के थ्रू जाती है, इंसर्ट की जाती है. पिल्स क्या होती है, टेबलेट्स. इन टेबलेट्स का काम क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है. और ये जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करेंगे, एग के रिलीज को प्रिवेंट करेंगे. एग रिलीज को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. लेकिन इन हॉर्मोन्स की वजह से एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. ऐसी कौन कौन सी टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है, माला डी के नाम से आती है, माला एन के नाम से आती है, सहेली के नाम से आती है, बहुत सारी टेबलेट्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं. बट ये मेथड एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनने के बाद
इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिल्स जो है वो विद इन 72 आवर्स हमें क्या करनी पड़ती है, फीमेल की बॉडी में जानी जरूरी है बाय ओरल और बाय वजाइनल मेथड। तो ये केमिकल मेथड हो गया, लेकिन हार्मोनल इम्बेलेंस से बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि फीमेल परमानेंट ही क्या हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए, वो कभी भी बेबी को बर्थ ना दे सके। तो ये दो मेथड्स हो गए, केमिकल एंड बैरियर। थर्ड वन इज द IUCD मेथड। IUCD मेथड क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन नाम से पता लग रहा है, इंट्रा यूटेराइन यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को क्या करना है आपने, इंसर्ट करना है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें कॉपर की बनी हुई टी का यूज किया जाता है, टी शेप की कॉपर की बनी हुई एक, ये मान लीजिए ये एक टी है, ये बनी हुई यू की यू, इसको सीधा का सीधा जो कॉपर से बनी हुई है इसको हम क्या कर देंगे, फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। लेकिन बॉडी में किस जगह इंसर्ट करेंगे, नाम से पता लग रहा है यूट्रस में। कहां इंसर्ट किया जाएगा इसको, यूट्रस में। लेकिन यूट्रस में खुद नहीं इंसर्ट कर सकते, हम इसको किसी ट्रेंड डॉक्टर या नर्स की हेल्प से क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। फीमेल की बॉडी के यूट्रस में ये टी पड़ी रहेगी और ये क्या करेगी, ये भी बर्थ कंट्रोल को रोकेगी। वो कैसे, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगी। कैसे नहीं होने देगी, क्योंकि ये स्पर्मिसाइडल होती है, ये जो टी है स्पर्मिसाइडल है। अगर स्पर्म्स अंदर आएंगे तो ये जो टी है वो स्पर्म्स को किल कर देगी, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो एग के साथ क्या नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो जिससे क्या होगा, इसे प्रिवेंट हो जाएगा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से। लेकिन इसमें एक यही सेम ही प्रॉब्लम रहेगी, क्या कि इससे एसटीडी से प्रिवेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग में इस टी की वैल्यू अंदर की तरफ है, ना कि कहीं इनके मिलने के अंदर प्रॉब्लम है। मींस कहने का ये है कि मेल फीमेल की मेटिंग होने के बाद जो है जो स्पर्म्स है उसको किल किया जाता है, तो इसमें जो फ्लूइड्स है मेल से जो है वो फीमेल में जाने के बाद उसके अंदर ये टी का यूज है, इसीलिए IUCD जो है वो इसमें काम नहीं आएगी एसटीडी को रोकने में। फोर्थ जो मेथड हम करेंगे वो हमारा मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होगी, सर्जरी होगी। किस किस की सर्जरी होगी, मेल और फीमेल दोनों की सर्जरी होगी। जो मेल की सर्जरी होती है उसको तो बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ये मेल के अंदर है, और एक फीमेल की सर्जरी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ये किसकी सर्जरी है, फीमेल की। तो मेल और फीमेल की अलग अलग, देखिए फीमेल में बोला तो वैस, वास का मतलब वास डिफरेंस, और फीमेल में है ट्यूब, ट्यूब कौन सी, फेलोपियन ट्यूब। हम क्या करते हैं, वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, और कट करके उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइगेटेड। वैसेक्टॉमी में हम वास डिफरेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे और कट करके उसको लाइगेट कर देंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे, जिसकी वजह से स्पॉन्स जो है वो नीचे नहीं आ पाएंगे, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वास डिफरेंस ही कट हो चुकी है, ये स्पॉन्म डक्ट है जो स्पॉन्म को लेके आने वाली है। ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब्स होती है, कौन से ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाएगा, कट, और कट करके क्या कर दिया जाएगा, लाइगेट, और लाइगेट होने से क्या हो जाएगी, वो फेलोपियन ट्यूब आगे एग को फिर से नहीं भेज पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एग है वो मेल और फीमेल, अगर देखिए एग जो है वो नहीं आएगा तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अगर बात करें मेल की, तो मेल के अंदर अगर हो गया तो फीमेल में इसकी जरूरत नहीं है, और अगर फीमेल ने ट्यूबेक्टॉमी करवा ली तो उसके बाद मेल को वैसेक्टॉमी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को इस मेथड को यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे मेथड से सर्जिकल मेथड, ये भी ऐसा मेथड है जो सिर्फ बर्थ कंट्रोल को रोक सकता है, एसटीडी को नहीं रोकेगा, क्योंकि फ्लूइड तो अभी भी फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए
सर्जिकल मेथड जो है हम कह सकते हैं सर्जिकल, आईयूसीडी, केमिकल, इन तीनों मेथड से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन में कंट्रोल कर सकते हैं, चाइल्ड्स के अंदर गैप रख सकते हैं, बच्चों में गैप रख सकते हैं। लेकिन बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम बच्चों में गैप के साथ साथ एसटीडी को भी रोक सकते हैं। तो ये तो सारे थे आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स। नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या है, जो ट्रांसमिट होती है ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जो डिजीज मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल को ट्रांसफर होती है उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें हम तीन डिजीज को डिस्कस करेंगे। दो तो ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, सिफिलिस, दूसरा है गोनोरिया और तीसरी है एचआईवी एड्स। तो सिफिलिस एंड गोनोरिया और तीसरी है एड्स, जिनमें दोनों डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है और ये कैसी है, वायरल। तो ये वायरस से होती है और वो दोनों किससे होती है, बैक्टीरिया से। सिफिलिस जो है वो मेल को होती है और ये जो है वो फीमेल को होती है, और ये बोथ को हो सकती है, एड्स मेल या फीमेल किसी को भी हो सकती है। तो सिफिलिस के अंदर और गोनोरिया में होता क्या है, ये दोनों ही ऐसे डिजीज है जिसके अंदर मेनली यूरिनरी डिस्चार्ज, मतलब यूरिन के पास से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहेगा, फीवर आ जाता है, या कह सकते हैं इसमें छोटे छोटे चिल्स कह सकते हैं कि छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, पिंपल टाइप के पिंपल से हो जाते हैं ऑन जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। और पेन सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिनेशन के ड्यूरिंग क्या होती है, बर्निंग होती है, मतलब जलन महसूस होती है जब भी पर्सन जो है वो यूरिन को रिलीज करता है, यूरिन पास करता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि पर्सन को सिफिलिस या गोनोरिया हो गया है। तो इन चीजों के अंदर ये पिंपल्स जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स में हो जाते हैं, गोनेड्स में हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो जाते हैं और बॉडी में भी हो सकते हैं। तो इस सब अगर किसी को सिम्टम दिखता है तो इस पर्सन को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विनेरियल डिजीज़, जो विनेरियल डिजीज का मतलब होता है जो कि पर्सन के ये जो जेनिटल डिजीज होती है उन सबको देखते हैं उनको। ये जो दोनों डिजीज है ये क्योरेबल है, यानी कि ठीक हो सकती है, लेकिन ये जो डिजीज है वो इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जो एड्स है वो एचआईवी से होता है, एचआईवी एड्स हम बोलते भी हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो एचआईवी है, इट इज नॉट एन डिजीज, इट इज ए सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, ये क्या है, एक सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, इसके अंदर बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे कैसे हैं, क्योंकि देखिए इम्यूनिटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है, हमारी डब्ल्यूबीसी को अटैक करती है, डब्ल्यूबीसी पर अटैक करती है। जब डब्ल्यूबीसी पे अटैक करेगी तो नेचुरल सी बात है हमारी इम्यूनिटी क्या होती जाएगी, वीक, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड के डिजीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा, आपको एड्स होता है, उसी को हमने क्या बोला, एड्स बोला, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिजीज जो है वो ठीक नहीं होती, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एड्स नाम दे देते हैं, सिंड्रोम है। तो ये तो था आपका चैप्टर के रिगार्डिंग मेन सब कुछ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है चाइल्ड बियरिंग वर्सेज गुड हेल्थ। तो वो चाइल्ड बियरिंग वर्सेज गुड हेल्थ का मतलब क्या है, वुमेन की एक हेल्थ के बारे में डिस्कशन है कि वुमेन की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। वो कैसे अच्छी रह सकती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, टाइम पे मेडिसिन चाहिए, चेकअप चाहिए, ये सब उसको टाइम से मिलना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सोसाइटी में भी फुल अवेयरनेस होनी चाहिए, एक तो मेल और फीमेल की जो फिटिसाइड की रिगार्डिंग बात होती है कि मेल फीमेल सेक्स रेशियो, उसके ऊपर बात सबको पता होना चाहिए, कम्युनिटी में सबको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस ना हो। और तीसरा जो कहता है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और बच्चों के बीच में गैप रहे, क्योंकि अगर बच्चों के बीच में गैप नहीं होगा तो
तो नेचुरल सी बात है कि किसी एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर उसकी स्टडी नहीं हो पाएगी, इसीलिए उनके बीच में गैप होना बहुत जरूरी है। तो ये सब था टॉपिक के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।